नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। दिस इज श्रद्धा। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। व्हाई एम आई सो एक्साइटेड टुडे? बिकॉज इट्स अ लिविंग रूम मेकओवर। मेकओवर की बात आती है तो आप मेरे जैसे आप भी एक्साइटेड हो जाते होंगे, मैं ज़रूर जानती हूँ। द रीज़न फॉर लिविंग रूम मेकओवर इज़ दैट कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं अब, तो मैं चाहती थी कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच दूँ अपने लिविंग रूम को। तो कुछ मेजर चेंजेस किए हैं मैंने, बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड करी हैं, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी कुछ टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स पता चलें कि आप किस तरीके से अपने लिविंग रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। Now, without wasting much time, let's jump into the video. This is my current living room, guys, जो कि L shape में है and is of 3 BHK apartment। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका recent makeover भी check किया होगा, जिसे मैंने 4 महीने पहले ही किया था। And I absolutely love my current living space। But है क्या कि अभी बहुत सारे festivals की बारिश होने वाली है, so I'm looking for something traditional, elegant and luxurious। तो यहाँ हम बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं, बहुत सारे का मतलब है बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने वाले हैं। आई होप आप पूरा वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले चेंज करेंगे हम सोफ़ा। सो आई रिसीव्ड दिस सोफ़ा फ्रॉम सेवेंथ हेवन। ये प्रोवाइड करते हैं बेस्ट लग्जरी फर्नीचर प्रोडक्ट्स एट योर डोर स्टेप एंड इट ऑल्सो डिलीवर्स पैन इंडिया। मैंने रिसीव किया है ये 5 सीटर सोफ़ा सेट, जो कि बहुत अच्छी पैकेजिंग में आया है। 3 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग में इसे कवर किया है। आप देख सकते हैं ये फोम शीट भी लगाई गई है ताकि इसके एजेस को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ लेट मी जस्ट शो यू माई ब्रांड न्यू मिलान सोफ़ा फ्रॉम सेवेंथ हेवन, जिसके साथ आए हैं ये ब्यूटिफुल शीशम वुड लेग्स, जिसे असेंबल करना भी काफ़ी आसान है। सोफ़े की बात की जाए तो ये बना है मॉल्फिनो और शेनाइल फैब्रिक के साथ, जो इसे सॉफ्ट और प्लश फील देता है। द सोफा इज वेरी स्टर्डी एंड हैवी, ऑल बिकॉज ऑफ सॉलिड वुड स्ट्रक्चर एंड जिंक कोटेड हैवी मेटल मैकेनिज्म। ये जो 5 सीटर सोफा सेट है, इसे असेंबल करना है सो इजी। असेंबल करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, बस ये जो लेग्स दिए हैं इन्हें फिक्स करना है बेस पर और आपका सोफा रेडी होगा। सोफा सेवेंथ हेवन वेबसाइट पर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट इसे आप परचेज कर सकते हैं Amazon, Flipkart, Wooden Street, Urban Ladder एंड ऑन Pepperfry also। ये सोफा बहुत सारे कलर्स में भी अवेलेबल है, लाइक ब्लैक, मरून, ब्लू, बेज, ब्राउन, एमराल्ड ग्रीन एंड डार्क ब्लू। अगर आप भी इस फेस्टिवल्स में अपने लिविंग रूम को लग्जरी के साथ कम्फर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं ये सोफा। To know more about this sofa, please check the website. The link is in the description box. तो सबसे बड़ा चेंज हो गया लिविंग रूम में। अब बारी आती है इसे स्टाइल करने की, और यहाँ पर आपका क्रिएटिव होना इज अ क्रूशियल थिंग कि कैसे आप चीजों को मिक्स एंड मैच करके एक शानदार लुक दे सकते हैं। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू शेयर अ हैक कि कैसे आप फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स या फ्लेक फ्लावर्स को वेस के साथ स्टाइल करें। एक्चुअली होता क्या है, आप जो डायरेक्टली वेस में फ्लावर्स इंसर्ट कर देते हैं तो वो एक जगह ही कलेक्ट होकर रह जाते हैं, पूरे वेस में स्प्रेड नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए क्लियर टेप और सेलो टेप, उसे इस चेकर्ड पैटर्न में स्टिक कर दीजिए वेस के माउथ पर, और उसके बाद जो भी आप इसे इंसर्ट करेंगे वो पूरे तरीके से फैल जाएगा और सुंदर दिखेगा। यहाँ मैंने ड्राइड व्हीट ग्रेन्स का इस्तेमाल किया है, जो मैंने अपने फार्म से कलेक्ट की है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि मैंने अपने प्रीवियस अपार्टमेंट में एक जेन कॉर्नर बना के रखा था, बट हियर आई मिस्ड दैट जेन प्लेस इन माई न्यू अपार्टमेंट। सो आई रियली वॉन्टेड टू क्रिएट अ जेन प्लेस, जिसके लिए मैंने टेराकोटा बुद्धा स्टैचू और कुछ प्लांट्स का ही इस्तेमाल किया है। जेन प्लेस इज समथिंग जिसे देख कर ही आपको शांति मिले, जहाँ बैठ कर आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। अब वॉल को कवर करने के लिए यू मस्ट बी नोइंग मी कि आई एम समवन हु लव्स ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स, और जो इंडियन ओरिजिनेटेड थिंग्स हैं उनके लिए आई एम लाइक क्रेजी। सो आई गॉट दीज कलरफुल बैम्बू बास्केट्स फॉर वॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतनी बड़ी आएंगी, और इसे फिक्स किया है नेल की हेल्प से। जो बैम्बू स्ट्रिंग्स के बीच में गैप होता है उससे ही उन्हें हैंग कर देना है, बहुत ईजली हैंग हो जाएंगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, आई एम अ सकर फॉर ट्रेडिशनल एंड हैंडमेड थिंग्स, जो इंडिया की पहचान हो, मतलब मेड इन इंडिया हो। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, जितनी बार भी कहूँ उतना कम है, ब्यूटिफुल पेंटिंग मेड ऑन वुवन बैम्बू मैट। इसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एंड इट्स सो फ्लॉलेस, लव दिस वन। और इसे हम हैंग करेंगे ये एलिफेंट पेंटिंग की जगह।
एंड नाउ आई वॉन्ट टू शेयर अ टिप कि अगर आप भी कोई बैम्बू वाले डेकोर पीसेस का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज उसे ड्राई क्लॉथ से ही वाइप करिए। अगर आपने गीले कपड़े से पोंछ दिया तो ये फंगस पकड़ सकता है। एंड नाउ हियर आई हैव एडेड सम इंडोर प्लांट्स, क्योंकि यहाँ काफी बड़ी विंडो है तो लाइट भी प्रॉपर आती है। अब बात करते हैं व्हाई यू रियली नीड टू चूज राइट एक्सेसरीज। हो सकता है वो कुशन हो, कार्पेट हो, रनर हो या वॉल डेकोर ही क्यों ना हो, लेकिन उसका आपके इंटीरियर थीम के साथ फिट बैठना बहुत जरूरी है। लाइक द वे हियर आई एम यूजिंग दीज कुशन कवर्स मेड ऑफ जूट फैब्रिक जो कि सेवेंथ हेवन से ही हैं, बहुत ही प्यारे हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग द राइट कलर एंड टेक्सचर विद द सोफा इन लिविंग रूम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेबल डेकोर जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। कॉफ़ी टेबल सेंटर पार्ट होती है लिविंग रूम का और उसे डेकोरेट करना भी इम्पॉर्टेंट है और जो कि बहुत आसान भी है। यू रियली नीड सम एलिगेंट एलिमेंट्स लाइक प्लांट्स, प्लेस मैट्स और रनर्स, ट्रेस और कुछ आर्टिफैक्ट्स और बुक्स के साथ भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। कर्टन्स के मामले में आई एम अ बिट स्केप्टिकल वेदर टू गो विद द ओल्ड वंस और शुड आई कीप दीज वाइट सेमी शियर कर्टन्स जो एकदम नए हैं और मैंने अभी अभी ही मंगवाए हैं अपने लिविंग रूम मेकओवर के लिए। नो डाउट दीज आर एब्सोल्यूट गॉर्जियस कर्टन्स बट दे वोंट प्रोवाइड कलर, तो प्लीज़ आप ही सजेस्ट करिए कि कौन से कर्टन्स मुझे रखने चाहिए। कॉमेंट सेक्शन में आपके सजेशन का वेट करूँगी। फटाफट से फाइनल रिवील देखते हैं। I found this perfect sofa for my home. You can also upgrade your aesthetic by adding this beautiful furniture in your home. The sofa is classy, elegant and so comfortable. I have dropped the links in the description box. Zarur check kariyega. Yeah, that's it for today's video. I hope aapko interesting hacks aur ideas pasand aaye honge ki kaise aap apne living room ko decorate kar sakte hain in festivals ke liye. एंड वन मोर थिंग गाइज कि मैं जो डिलेमा में हूँ कि मुझे वाइट कर्टन रखना चाहिए या कलरफुल कर्टन रखना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने सजेशन कि क्या सबसे बेस्ट रहेगा। वैसे तो कलर्स ही ऐड करना चाहती हूँ मैं क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, पर आप भी अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा लिविंग रूम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।